मेहमान पैरों योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच, और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मानव, मैं जानता था तू वापस जरूर आएगी। तू मेरी बहुत अच्छी बहन है मेहर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता था कि तू कभी भी बुराई के साथ ही नहीं बनेगी। भटका थी परी आप, मेहर कहाँ है? मानव, मेहर वापस नहीं आई है। आपके घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे हम मेहर बन के आए थे। मानव, जब तक बालवीर को युक्ति नहीं सुझा लेते तब तक आपको फैरो योद्धा से छिपकर रहना होगा। इसलिए मैं और भटकाती पर यहाँ मानव और मेहर बन के रह रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरी बहन वापस आ गई है, लेकिन नहीं, मैं गलत सोच रहा था। मेहर हमारे पास लौट कर जरूर आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। पर तब तक हमारे बनाए हुए गुप्त स्थान से तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। तुम पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सॉरी बालवीर, चलो हम अपने गुप्त स्थान पे वापस चलते हैं। वो मेरी आवाज थी। क्या थी वो तुम्हारी आवाज? इतनी भयानक, डर गया मैं। अरे जगाया क्यों मुझे गहरी नींद से? देख रहा था मैं कितना सुनहरा सपना। अपने जादुई कुंड में देखकर बताओ कि बालवीर ने मानव को कहां छुपा के रखा है। अरे वाह, खुल गया भाग मेरा, और इस जादुई कुंड का भी। इतने दिनों बाद हो रहा इसका इस्तेमाल। आया का काम जादू को देखता। नहीं दिखाई दे रहे मुझे मानव और बालवीर कहीं भी। है लगता मुझे कि है लगा उनके गुप्त स्थानों के चारों तरफ मजबूत घेरा, जिसको कर नहीं पा रहा पार मेरा जादू कुंड। तो कैसे मिलेगा मुझे मानव, और कैसे मिलेगा मुझे मेरा जीवन? कैसे मालूम पड़ेगा गुप्त स्थान कौन सा है? मैं बताऊंगी। वो कौन सा गुप्त स्थान है जहां बालवीर ने मानव को छुपाया है? तुम बताओगी? हाँ, क्योंकि पहले मैं उनकी साथी थी और इसलिए मुझे उनके हर एक गुप्त स्थान के बारे में मालूम है। बालवीर, हम यहाँ चुप कर क्यों रह रहे हैं? हमें तो फैरो योद्धा के पास जाना चाहिए बाल सखी को वापस लाने के लिए। मानव,
तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद यहाँ बाल सखी के साथ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम सचमुच बदल चुकी हो बाल सखी और इसलिए तुम बुराई का साथ दे रही हो। सच्चाई और अच्छाई की नजर में तुम बुरी बन चुकी हो। अच्छा, बुरे तो तुम भी मेरे नजर में हो बालवीर। पैरो योद्धा, मैं बालवीर को मानव को बचाने से रोकती हूँ। आप मानव को यहाँ से लेकर जाइए। अगर तुम दुश्मनी करोगे हमसे तो मैं भी दुश्मनी निभाऊंगा बाल सखी, और इसलिए मुझे आज यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। मुझे मालूम था कि तुम कोई साधारण बच्चे हो ही नहीं सकते। तुम फेरो राजकुमार का जन्म में भी एक योद्धा थे और आज भी एक योद्धा हो। हाँ, उस वक्त भी मैंने तुम्हें समाप्त किया था और आज भी मैं तुम्हें समाप्त करूंगा। तुम्हारे सब जादू मुझ पे बेकार है फेरो राजकुमार। रोहित, ये ना बहुत ही कमाल का कैमरा है, इससे बहुत ब्यूटीफुल फोटोज आते हैं और मेरे पापा ने स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया। मंटू बॉस, दुनिया का कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना हो पर आपकी फोटो हमेशा बेकार ही आएगी। अरे मेरे मंटू बॉस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मंटू बॉस, अगर गधे की फोटो खींचोगे तो घोड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। लगेगा, यही इस कैमरा की स्पेशलिटी है। इस कैमरा से किसी भी इंसान का फोटो लो ना तो उसका फोटो बहुत ब्यूटीफुल आता है। और मेरी मोनिका, वो तो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, तो सोच उसका अगर इस कैमरा से मैं फोटो निकालूंगा तो वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। और ये कैमरा मैं मोनिका को गिफ्ट करूंगा, फिर वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मंटू बॉस, क्या मैं ही कैमरा देख सकता हूँ? देख देख और संभाल के। मंटू बॉस, ये पीछे ये रेड बटन क्या है? दबा नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ये डेंजर का बटन है। हाँ, लेकिन इससे होता क्या है? अरे बेवकूफ, अगर ये बटन तूने दबाया ना तो इस कैमरा से हम जो भी ब्यूटीफुल फोटो खींचेंगे ना, ये कैमरा उसे बहुत खराब और डरावनी फोटो बना देगा। और तो और, वो फोटो हम डिलीट कर भी नहीं सकते, वो फोटो डायरेक्टली उस इंसान के फ्रेंड बुक पे पोस्ट हो जाती है। नील, मोंटू मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए कैमरा गिफ्ट कर रहा है। हाँ, अब हम इस मोंटू के कमाल के कैमरा के साथ
धमाल करेंगे और मोनिका के सामने उसकी इम्प्रेशन की बैंड बजाएंगे। हाँ, मेरा मन तो अभी से ही मीठा हो रहा है। मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता बाल सखी, लेकिन तुम अभी हमारी साथी नहीं बुराई की साथी हो और मानव को बचाने के लिए मेरा तुम्हें रोकना जरूरी है। मैं भी तुम पे वार नहीं करना चाहती, लेकिन इस समय तुम मेरे दुश्मन हो और मानव को ले जाने के लिए मुझे तुम्हें समाप्त करना ही होगा। तुम्हें बालवीर पे वार करने का दूसरा अवसर नहीं दूंगा बाल सखी। बहुत समय बेकार हो गया, तैयार हो जाओ तुम मेरे साथ चलने के लिए पैरों राजकुमार। तो देखते हैं तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो या मैं तुम्हें समाप्त करता हूँ। कैमरा लेकर ना मैं मोनिका के पास जाऊंगा और उसकी फोटो खींचूंगा। बस मैं क्या कहता हूँ, मत खींचो क्योंकि उसकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। सॉरी मोंटू, गलती हो गई, ये ले। अरे अरे मनीष, कोई बात नहीं, मोंटू बॉस से तो हमेशा गलतियां होती रहती है। ये पिद्दी, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस पिद्दी का धक्का लगा ना तो ये गर्दन है ना उखाड़ के फेंक दूंगा। चल भाग, तुझे क्या अलग से बोलो। चल हाय मोनिका। मोंटू तुम फिर आ गए। मोनिका तुम्हें पता है मैंने मेरे पापा से लेकर स्पेशली तुम्हारे लिए ये कैमरा मंगवाया, वो भी जापान से। तुम्हें इस कैमरा की खासियत पता है, इस कैमरा में किसी भी गंदी शक्ल वाले इंसान का फोटो निकालो उसका फोटो भी बहुत ब्यूटीफुल आता है। हाँ, इसमें तो मोंटू बॉस तक की फोटो अच्छी आई है। हाँ। You mean मोनिका भी इस मोंटू की तरह खराब दिखती है? नहीं नहीं, ये पागल तो कुछ भी बोलता है, तुम भी मेरी तरह हैंडसम हो, मतलब मैं तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल हूँ, मतलब मैं हैंडसम और तुम ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, वैसे तुम्हारी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है। तो मैं तुम्हारा फोटो खींचू? हाँ खींचू खींचू। यस सर। तो दो पोज दो। ला मुझे दिखाओ कैसे आई। देखो बहुत ब्यूटीफुल आई है ना। ब्यूटीफुल है, डरावनी, एकदम तुम्हारी तरह। बॉस ओ
मैंने कहा था मत खींचो। मंडू तुरंत मेरी फोटो अभी के अभी डिलीट करो। हाँ हाँ अभी करता हूँ। ये लाल बटन दब तो नहीं गया। मोनिका इस कैमरे की एक और खास बात है, इस कैमरे से किसी की भी फोटो खींचो वो डायरेक्ट प्रिंट बुक में अपलोड हो जाती है। खबरदार अगर मुझसे बात भी करने की कोशिश की तो साथी बालवीर तो समाप्त हो गया, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले पहले राजकुमार तो मैं तुम्हें भी यहां समाप्त कर दूंगा।